अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमेर खान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह FIA के वेब पोर्टल में ओके टू बोर्ड पास कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। वेलकम बैक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर मुख्तलिफ ट्रेवलिंग एजेंसी के रिलेटेड कोर्सेज मिलते रहेंगे। ये आप देख सकते हो, सेबर कंप्लीट कोर्स भी मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है और अभी तक 7-8 वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड की है। तो अगर आप लोग सेबर सीखना चाहते हो जो कि टिकटिंग सिस्टम है, तो आप मेरे इस कोर्स को फॉलो कर सकते हो और आप अपना ट्रेवल एजेंसी का कारोबार स्टार्ट कर सकते हो और उससे लाखों रुपये अल्हम्दुलिल्लाह आप कमा सकते हो। उसके बाद FIA का वेब पोर्टल पे मैंने यहाँ पे 2 वीडियो अभी तक अपलोड की है। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो वॉच नहीं की है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो भी वॉच करें, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके कि आप लोग किस तरह FIA का जो वेब पोर्टल है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके सामने जितनी भी वीडियो आएंगी वो आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो है कि आप लोग किस तरह FIA के वेब पोर्टल के अंदर PNR के अंदर ओके टू बोर्ड पास कर सकते हैं, टिकट के अंदर ओके टू बोर्ड पास कर सकते हैं। ये अभी तो दुबई के लिए चल रहा है, लेकिन और कंट्री के लिए भी अगर ये रूल है आपने मतलब वो पूछना है, ट्रेवल एजेंसी का काम करते हो तो आपको मालूम होगा कि दुबई वाले और ज़्यादा कंट्री वाले ये डिमांड करते हैं कि आपने जो ओके टू बोर्ड है वो पास करना है। इसके अलावा FIA का अपना ही FIA वाली भी कहते हैं कि आपने ओके टू बोर्ड ज़रूर पास करना है। तो अगर किसी भी क्लाइंट के लिए आप ओके टू बोर्ड पास करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले यहाँ रिजर्वेशन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद दो FIA मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। मैं आपको बताऊं कि आप लोगों की टिकट तो यहाँ पे बुक होनी चाहिए, मतलब वो उस पर आपने पेमेंट वगैरह सब की होगी, टिकटेड FIA होनी चाहिए। ठीक है, FIA का मतलब ये है कि ये एक टिकट का नंबर होता है जिससे हम टिकट को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले वही FIA का नंबर डालना होगा जिसको रिजर्वेशन नंबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, आपने भी इस तरह करना है। उसके बाद दो ये आपके सामने है, तो इसको इस तरह एंटर करें और उसके बाद आपने सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि PNR के साथ तो ये आपके सामने है, ये टिकटेड FIA है, मतलब इसके ऊपर पेमेंट हो चुकी है और एक एडल्ट है इसका, ये FIA क्रिएटेड डेट है, इस डेट पे ये क्रिएट हो गया है। उसके बाद तो ये ID के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमारी ID, और उसके बाद ये उस शख्स का नाम है जिसका नाम है अब्दुल्ला, उसके लिए ये टिकट हमने बनाई है, मेल है। इसके अलावा उसका डेट ऑफ बर्थ मौजूद है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है। इसके अलावा यहाँ पर फ्लाइट नंबर लिखा है, इस्लामाबाद से दुबई जाएगा, और यहाँ पे क्लास लिखा है, मतलब कौन से क्लास में आपने टिकट इशू की है। उसके बाद यहाँ पे डेट सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह कैंसिल किस तरह करते हैं टिकट को, उस पे मैं वीडियो बना के आपको दूंगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग ओके टू बोर्ड किस तरह पास कर सकते हो। आपने बिल्कुल नीचे आना है और यहाँ पर एड और चेंज SSR आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ऐसा करना है कि यहाँ पे नीचे आकर आपने यहाँ कोई भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपने उसी तरह कॉपी करना है, जस्ट यहाँ पे आपने चेंजेस करना है। अब दुबई के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है अभी के लिए, तो आपने दुबई का जो वीज़ा है अपने कस्टमर का, आपने उससे वो वीज़ा लेना है और उसके ऊपर आप लोगों को एंट्री परमिट नंबर मिल जाएगी। वो एंट्री नंबर परमिटो अक्सर 3 या 4 पे मुश्तमिल होती है, ये देखिए, मतलब ये एक सेक्शन है, उसके बाद स्लेश है, फिर 2021 जो भी साल होगा उस साल में वीज़े का नंबर होगा, इसके अलावा यहाँ पे परमिट नंबर होता है। तो यहाँ पे मैं इस शख्स के लिए डाल रहा हूँ जो कि इसका परमिट नंबर है 1 में जो भी है, यहाँ पे आपने डालना है, यहाँ पे जस्ट आपने चेंज करना है और ये सारा जो टेक्स्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने जस्ट वहाँ से कॉपी करना है। ठीक है, आसानी के साथ। उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा इस तरह टाइप कर रहा हूँ जो कि ऑलरेडी बताया कि दुबई की वीज़े के ऊपर उसका ये परमिट मौजूद है, आपने उसी तरह यहाँ पे डालना होगा। तो मैं जल्दी जल्दी में डाल रहा हूँ, आपने भी इस तरह डालना है, और डालने के बाद आपने क्या करना है अभी आपको बताऊँगा। उसको यहाँ पे आपने जब डालोगे, ये देखिए सारा इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यहाँ पे आपने अपनी जो एजेंसी है उसका नाम चेंज करना है, क्योंकि हमारी एजेंसी का नाम है तो यहाँ पे हमने वो लिखा है। उसके बाद एड SSR आपने इस पर क्लिक कर देना है, तो आपका ओके टू बोर्ड यहाँ पे ADT, इसमें ये ओके टू बोर्ड यहाँ पे ऐड हो गया, इस तरह आपने ऐड करना है।
उसके बाद अगर फास्ट फूड की डिटेल नहीं डाली है तो वो भी आप डाल सकते हो। फास्ट फूड की डिटेल अगर आप लोग डालना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, ये आप देख सकते हो, एड पैसेंजर फास्ट फूड डिटेल एन फी एन आर। तो आप ये वीडियो वॉच कर सकते हैं फास्ट फूड डिटेल डालने के लिए। आज की वीडियो जस्ट इसलिए थी कि आप किस तरह पैसेंजर के एडिटी जो मतलब ओके टू वोड है वो किस तरह यहाँ पर डाल सकते हो वो मैंने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों मतलब सेबर के कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे सेबर की यहाँ पे कंप्लीट कोर्स फॉलो कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको यहाँ पे इतना ज़बरदस्त कोर्स मैंने बना के दिया है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसमें और वीडियो अपलोड करता रहूँगा जो किसी ने भी आपको यूट्यूब पर इस तरह फ्री में नहीं समझाया होगा। ये एक फ्री मेथड है, क्योंकि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना के देता हूँ आप लोगों के लिए। मेरा इसमें अगर मुझे यूट्यूब पे फॉर एग्जाम्पल व्यूज़ भी आ जाए तो कितने पैसे मुझे यूट्यूब दे सकता है, कोई भी नहीं। इतना ज़्यादा पैसों के लिए मैं लालच नहीं करता, मैं जस्ट यूट्यूब पे वीडियो बना के आप लोगों के लिए, इस वजह से कि आप लोग सेबर का कंप्लीट कोर्स हो, पीआईए का, ट्रेवल एजेंसी का कंप्लीट कोर्स सीख जाओ, उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो ट्रेवल एजेंसी का कारोबार स्टार्ट कर सको, और आसानी के साथ आप महीने का अपना जो घर का अखराजात है वो चला सकते हो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यहाँ से आप वो ट्रेवल एजेंसी के कंप्लीट कोर्स वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी बताया कि इंशाल्लाह पीआईए के अंदर बहुत ही चीज़ें हैं, एक एक चीज़ पे मैं वीडियो बना के आपको दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिए अपनी दुआ में, अदर के अल्लाह हाफिज़।